नमस्कार, हमेशा की तरह एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार 2 वर्षों से निकाली जा रही आरक्षकों की भर्तियों में मध्य प्रदेश युवाओं को प्रतिभा दिखाने का बड़ा ही शुभ अवसर मिला है, परंतु वे युवा अब भी निराश हैं जो इन 2 बार निकाली गई भर्तियों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में किसी कारणवश अयोग्य घोषित कर दिए गए। अब वो अयोग्य थे। खुद को अब और निखारने के बाद ऐसे युवा अब तीसरी बार भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं बड़ी ही बेसब्री से। ऐसे में कब आएंगी भर्तियाँ, कहाँ और कैसे आएंगी भर्तियाँ, आएंगी तो कितनी आएंगी, इन सभी सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहे। अफवाहों का शिकार भी बहुत सारे युवा यहाँ पर हो रहे हैं। वे युवा जो अफवाहों का शिकार हो रहे हैं, वे अफवाहों का शिकार ना हो गए, वे सही तथ्यों के आधार पर सही जानकारी बिना मेहनत के प्राप्त कर सकें, ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। इसी के लिए हमारा यह वीडियो प्रेजेंटेशन है हमेशा की तरह, जिसमें हम आरक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई सारी खबरों का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है। अभी एग्जैक्ट डेट ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अफवाहों से सावधान रहने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं नीट जॉब्स एंड नोटिफिकेशन नाम की वेबसाइट से। इस वेबसाइट का प्रोडक्शन देखते हैं इनके क्या इनके पास न्यूज है। देख सकते हैं एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2018-19 अपकमिंग 15,000 कांस्टेबल एसआई जॉब्स, यहाँ लिखा हुआ है एसआई जीडी कांस्टेबल जॉब्स इन विच 13,000 वैकेंसीज विल बी अवेलेबल फॉर मेन, 13,000 मेन के लिए होंगी, 2,000 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसमें इन्होंने पर्टिकुलर डेट के बारे में जिक्र नहीं किया है, इन्होंने कहा आगे जॉब्स आएंगी। पर्टिकुलर डेट देखते हैं कोई वेबसाइट अगर इसके बारे में प्रेडिक्ट करती हो तो। देखिए एक वेबसाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश इज गोइंग टू सून हायर 14,729 कैंडिडेट्स फॉर द सेवरल डिपार्टमेंट्स, कॉन्स्टेबल ASIS एंड ASI कॉन्स्टेबल वैकेंसी। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को 14,729 कैंडिडेट लेना है MP पुलिस के लिए। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि 2018 में फिर से पुलिस कॉन्स्टेबल की जगह आने वाली है, ये कन्फर्म है। एक बात कन्फर्म हो गई कि फिर से जगह आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इसको गवर्नमेंट इसको टाल नहीं पाएगी। और देखते हैं आगे, देख लेते हैं दिल्ली पुलिस कट ऑफ रिजल्ट, दिल्ली पुलिस रिजल्ट एंड कट ऑफ, इनका क्या कहना है एमपी के बारे में, एमपी की जॉब्स के बारे में। यहाँ भी सेम लिखा है, व्यापम वैकेंसी 2018 मध्य प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन सम डेज बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी सम डेज कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। इन हिंदी विल बी रिलीज फॉर द वैकेंसी पोस्ट कांस्टेबल ASI सब इंस्पेक्टर ETC, द रिक्रूटमेंट प्रोड्यूस विल इंक्लूड द एफिशियल फॉर्म फ्रॉम द प्रोसेस एवरी पोस्ट, मतलब हर पोस्ट के लिए जल्द ही इन सम डेज यानी कुछ दिन बाद ही वैकेंसी भरनी जानी है, यानी आप ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं study chat.in क्या कहती है MP पुलिस जॉब्स के बारे में, इनका भी आप देख सकते हैं जैसा कहना है, मध्य प्रदेश आर स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड शॉर्टली, मतलब कुछ ही दिनों में, बाय द मध्य प्रदेश पुलिस गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड अगेंस्ट 1130 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल पोस्ट। इन्होंने वैकेंसी के बारे में डिटेल कम दी है, लेकिन इन्होंने भी शॉर्टली बोला है। और देखते हैं आगे, तो पिछले आर्टिकल से इतना क्लियर तो हो चुका है कि एमपी में 2018 में एक बार फिर पुलिस की भर्तियाँ होनी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए न्यूज़ दैनिक भास्कर, भास्कर न्यूज़ की एक न्यूज़ है, प्रदेश में 14,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती मुख्यमंत्री के द्वारा, मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 32,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। ठीक है, आगामी वर्षों में 14,000 और नए पुलिस वालों को भर्ती किया जाना है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को बुधवार में आयोजित दीक्षांत समारोह में कही। मतलब ये 69th व दीक्षांत समारोह जो है 26 जनवरी को 2018 में संपन्न हुआ, इसमें उन्होंने ये बात कही है, कितने 14,000 पुलिस की भर्ती की। और आप इसको और गौर से पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने और भी जैसे भाषण कहे, अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 14,000 भर्तियाँ आनी है और एक बार फिर आनी है, 26 जनवरी की बात है, उन्होंने जल्दी आने के लिए कहा है, तो जल्दी ही भर्ती आएंगी।
तो हमने ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीके से जाना कि पुलिस की भर्ती की प्रेडिक्शन की जा रहे हैं। कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये कहा है कि पुलिस की 2018 में फिर से भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन एकदम से सही रखनी है, सही तैयारी करनी है, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब का एक लोगो आ रहा है चैनल का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।